का हिंदी थर्ड लैंग्वेज। चैप्टर नंबर है चैप्टर 30 ईमानदारी का फल। तो ये चैप्टर मैंने आपको इसके पहले स्टार्ट कर दिया था। इसमें जो कहानी है ये एक व्यक्ति की कहानी है जो अपनी ईमानदारी और सच्चाई के बलबूते दरबार में एक अच्छा पद पा लेता है और उसका एक स्थान अच्छा स्थान बन जाता है। तो इसमें आपको जैसे कहानी में पढ़ा है कि जो राजा जो है जो बादशाह है जो अपने मंत्री से वो कहता है कि उसे अपने राज्य को संभालने के लिए एक अच्छे व्यक्ति की एक सच्चे व्यक्ति की जरूरत है। जितनी जल्दी संभव हो वो ऐसे व्यक्ति की खोज करके उसे राज्य में ले आए। तो मंत्री ने एक ऐसे व्यक्ति को ले आया और उसने उस व्यक्ति की एक अच्छी नौकरी थी उस नौकरी को छुड़वा कर उसे राज्य के काम में काम करने के लिए वहाँ पर ले आया। तो फिर वहाँ पर राजा ने उसे एक चपरासी के पद में रखा जिसकी आपकी ये आय थी 15 रुपये। तो इससे मंत्री को काफ़ी दुख हुआ क्योंकि उसने उसके अच्छी नौकरी छुड़वा कर उसे राज्य में पदोन्नति आश्वासन देकर उसे ले आया था। तो आज मैं आपको इसके आगे की कहानी पढ़ाऊंगी कि इसमें क्या होता है। तो सभी पेज नंबर 95 निकाले। तो इसमें देखिए मैंने यहाँ तक वो पढ़ा दिया कि जब वो वहाँ पर दरबार में जाता है तो उसे एक चपरासी की नौकरी दी जाती है और वो इसी से वो खुश होता है। उसे कहते हैं मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उसे राजा की का बादशाह का सेवा करने का मौका मिला। इससे वो उसे जब वहाँ पर राज्य में जो राजा के जहाँ स्थान था वहाँ पर उसे वहाँ पर कार्यालय में ले जाया गया जहाँ से वो कार्यालय धूल भरा हुआ था। तो उसने उस व्यक्ति ने उस कार्यालय को साफ किया और उसे शाही कार्यालय का रूप दे दिया। उसके बाद है उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। उसी कार्यालय में एक क्या था एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह को बहुत से निजी पत्र आए थे। उनके लिफाफों का ढेर भी उस कोठरी में पड़ा था। तो उस कार्यालय में एक छोटी सी कोठरी थी। जब युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो उसे ये पता चला कि पिछले साल में बादशाह के बहुत सारे ऐसे पत्र आए थे जो बहुत आवश्यक पत्र थे और उन लिफाफों का ढेर उस कोठरी में पड़ा था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पचकारी थी और रत्न जड़े थे। यह वे लिफाफे थे जो विवाह आदि के शुभ अवसरों पर दूसरे बादशाहों और अमीर उमरावों के यहाँ से आए थे। तो उसमें बहुत सारे लिफाफे थे जिसमें से सोने की पचकारी और रत्न भी जड़े थे। और ये लिफाफों ये क्या होता है ये लिफाफे विवाह के जैसे शुभ अवसरों पर से बादशाहों और अमीर उमरावों के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों को उतार लिया और बाजार में बेच दिया। तो युवक ने क्या किया उसी जो पचकारी और रत्न जड़े थे लिफाफों में उसे उतरवा लिया और बाजार में जाकर उसे बेच दिया। इससे कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च किए और बाकी रुपए सरकारी खजाने में जमा कर दिए जहां वह सामान बिका उसकी भी रसीद ली और जहां से सामान खरीदा गया उसकी भी। तो वो जो जिसमें लिफाफों में जो पचकारी और रत्न जड़े थे वो उसे ठीक है कारीगर से वो उतरवा लिया और उसे वो बेच दिया जिससे कि उसे कई हजार मिला। और उनमें से वे कुछ रुपए से क्या किया वो फर्नीचर और चित्र खरीदे और बाकी जो रुपए वाले थे उसे सरकारी खजाने में जमा कर दिया जहाँ सामान बिका था उसका भी और उसके जहाँ से वो खरीदा था उससे वो रसीद भी लिया था और जहाँ से सामान खरीदा उसकी भी। ठीक है फिर नेक्स्ट पेज नंबर 96। अब वो स्थान सचमुच शाही हो गया। चुगलखोरों ने बादशाह से शिकायत कर दी कि वह रुपए लुटा रहा है। एक दिन बादशाह गुस्से में भरे वहां गए तो देखकर दंग रह गए। ठीक है तो जैसे मैंने कहा कि पेज नंबर 96 निकाले इसमें मैंने कहा है कि उसने उस स्थान में सचमुच शाही वो स्थान को वो उसने अपने बुद्धिमानी के बलबूते पर उस गंदे गंदे से पड़े उस कार्यालय का वो उसका चेहरा ही बदल दिया। वो बहुत ही वो सुंदर देखने में हो गया था उसका शाही रूप में परिवर्तन कर दिया था। लेकिन कुछ चुगलखारों ने उसकी शिकायत कर दी। उसने कहा कि वो वहाँ पर रुपए लुटा रहा है। तो जब एक दिन बादशाह
गुस्से में आ गए और वहाँ गए तो वो वहाँ पर जाके देख के वे दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा, तुमने ये सजावट किसके रुपए से की है? फिर वे गुस्से में आकर वे उसने पूछा कि तुमने जो ये सजावट की है कार्यालय में किसके रुपए से की है? तो आज मैं आप लोग को यहीं तक पढ़ाती हूँ, ठीक है। इसके बाकी का अध्याय मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। अब मैं आपको जीवन मूल्य के बारे में बताऊँगी, जैसे इसमें है ईमानदारी। कि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कहानी में लिखा हुआ कि ईवा काफ़ी ईमानदार था और बहुत ही वह सच्चा था। जब उसे उस कार्यालय से जब वो सफाई करता था उसमें ऐसे कुछ लिफाफे मिलते हैं जो बहुत दिन से पड़े हुए थे जिसे राजा ने खोल कर भी नहीं देखा था। तो उसमें कुछ पचकारी लगी हुई थी, सोने की पचकारी थी और रत्न जड़े हुए थे जिसे वो कारीगरों से उसे उस रत्न को खुलवा कर उसे वो बेच दिया और उससे उसे कई हजार रुपए मिले। और उसी रुपए से उसने क्या किया, उसे कार्यालय के लिए कुछ फर्नीचर खरीदे और कुछ चित्र खरीदे और बाकी जितने रुपए थे उसे वह सरकारी कार्यालय में जमा कर देते। इससे ये पता चलता है कि वह ईमानदार था। वो इन रुपये को वो अपने लिए खर्चने क्या वो नहीं अपने पास रखा। फिर है इसमें कार्य कुशलता। तो किस तरह से इसमें कार्य कुशलता का भी परिचय मिलता है कि किस तरह वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस रत्नों को बेच कर उसी कार्यालय को सजाने में, उसे संवारने में और उसे सारी रूप बदलने में वो उसे खर्च करता है जिससे उसकी कार्य कुशलता का पता चलता है। तो अब मैं आप लोगों को सफल बताने जा रही हूँ। आज मैं अपने क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।